सर ये आप फर्स्ट आस्क योर क्वेश्चन एंड देन गिव मी पूरी करियर टीम सी टीम डी टीम क्या इनमें से किसी के मकान तोड़े गए नहीं तोड़े सागर साहब की भी एक मिसाल दे दी दिस इज लेट मी रिस्पोंड आप सवाल कर लीजिए पहले करीब पूरा तो आप देख रहे हैं कश्मीरी विद अपुष्पता के साथ आज हमारे साथ हैं एनसी की स्पोक्स पर्सन इफ्राजान इफ्राजान आपका क्या मतलब है थैंक यू मुझे बताना तो इफ्राजान से सीधा सवाल हमारा रहेगा कि जो ये डिमोलिशन ड्राइव चल रही है इस पे इनका क्या कहना है देखिए ये जो डिमोलिशन ड्राइव है ये इलीगल है ये कहते हैं ना जमीन लोगों का कब्जा इलीगल है ये रियलिटी ये है कि ये ड्राइव इलीगल है इसके कुछ एक दो वजूहात हैं पहली वजह इसकी ये है कि आपको बुलडोजर चलाने से पहले एक नोटिस का पीरियड होता है किसी को नोटिस कुछ नहीं आ रही है बिल्कुल किसी को कुछ बोला नहीं जा रहा है और सीधा बुलडोजर चलाया जा रहा है तो ये इलीगली हो रहा है दूसरी बात इलीगल अब आप साइड पे रख दीजिए जब यही लोग जब बुलडोजर्स की बात करते हैं गुजरात में 35% बिल्डिंगें जो है इलीगल है दिल्ली जो है आपकी 70% दिल्ली आपकी स्टेट लैंड पे है आपको ये पता है 70% दिल्ली स्टेट लैंड पे बनी है क्या वहां बुलडोजर चलाते हैं वहां के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट कानून लाती है 2019 में लॉ बिल पास करते हैं 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट की दिल्ली में जो इलीगल कॉलोनीज है इनको लीगलाइज करेंगे वहां आकर आप कब्जा लीगल बनाते हो यहाँ आप बुलडोजर चलाते हो तो कानून क्या सिर्फ एक ही इंसान की एक ही तबके के लोगों के लिए है मगर लोगों का कहना है कि जो हमारी पिछली सरकारें रही हैं तो उन क्योंकि परसों ही कल ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने दी तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि इनको लीगलाइज करना चाहिए इनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी चाहिए फिर जाके इनको कहीं बिल्डोजर लाना चाहिए लास्ट ऑप्शन बिल्डोजर बचता है जब लोग नहीं मानेंगे तो लेकिन वहां पे गरीब की कहीं बात नहीं हुई और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि इनको लीगलाइज किया जाए तो पिछली लोगों का ये भी कहना है जो पिछली सरकारें थी वो तो इन्हीं की थी उन्होंने क्यों नहीं अपने टाइम पे किया आपका सवाल है जो पिछली सरकारें थी इन्होंने क्यों नहीं लीगलाइज किया ये वही इंसान सवाल करेगा जिसको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होगी रोशनी एक्ट जो 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने लाया वो क्या था वो वही कब्जा लीगलाइज तो लेकिन ये भी तो कह रहे हैं ना मतलब आप पहले सुन लीजिए उसके बाद आप पढ़िए जो 2001 में रोशनी एक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया था वो रोशनी एक्ट क्या था वो ये था कि अगर किसी गरीब ने 2 मरले 4 मरले पे दुकान बनाई है अपने घर के साथ रखा है उसका थोड़ा बहुत मुआवजा स्टेट को दे दे और लीगली ये जो जमीन है ये इसकी हो जाएगी ये तो लीगलाइजेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकिन लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ऐसा था रोशनी एक्ट इसलिए लाया गया था तो हमारे पास क्यों नहीं हमें उस टाइम पे क्यों नहीं बोला गया क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर लोग हैं जो गरीब तबके से हैं जिनको अभी बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है वो उनका कहना है कि लेकिन अगर इनको रोशनी एक्ट लाया था इन्होंने हमारे लिए लाया था तो हमें क्यों नहीं उस टाइम पे फिर क्यों नहीं हमारे पास आई गवर्नमेंट उन्होंने क्यों नहीं हमें बोला कि आप डॉक्यूमेंटेशन ये तो अजीब सा सवाल है रोशनी एक्ट में करीबन 5 से 6 लाख कनाल लोगों को दिए गए ये तो पब्लिक न्यूज है 7 लाख कनाल लोगों ने लिए तो वो कौन थे जिन्होंने 7 लाख के करीबन 10 से 15 लाख लोगों ने 7 लाख कनाल बीजेपी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी के एक सीनियर लीडर का कहना है कि ये जहां कहीं पे ये लैंड का जो मसला हो रहा है ये एनसी की वजह से हो रहा है कैसे हो रहा है तो ये इन्होंने अपने लोगों को लैंड दिया है तो ये क्या ये सही कहना होगा कि जो रोशनी एक्ट था ये अपने लोगों के लिए था रोशनी एक्ट जो था उसमें सबसे ज्यादा जमीन जम्मू के लोगों को मिली थी जम्मू के फार्मर्स को मिली थी जहां तक मुझे पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स तो फार्मिंग नहीं करते हैं जम्मू के फार्मर्स को मिली थी यहाँ के गरीबों को मिली थी आज जब ये लोग बुलडोजर्स चला रहे हैं किसके घर पर चला रहे हैं गरीबों के घर पर चला रहे हैं लेकिन टारगेट करते हैं एनसी अगर आपने एक एक्ट लाया था अगर आपने एक एक्ट लाया था तो आज उमर अब्दुल्ला साहब को क्या जरूरत पड़ी कि गवर्नमेंट को बोलने के लिए कि आप ऐसा कोई कानून लाए इनको रेगुलराइज किए कर दीजिए जिन लोगों के पास अभी जमीन है सरकार की जमीन है उनको रेगुलराइज करने के बाद आप या तो कोई प्रोसीजर कीजिए अगर इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है पूरी एक कमेटी बिठाई उस पर देखिए इनके पास है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की नहीं है क्योंकि उन्हें वहां पे अपने रिश्तेदारों का जिक्र किया लेकिन अपने जो यहाँ के जनरल पब्लिक है उनका कोई जिक्र नहीं हुआ पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे नहीं मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा भी नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कहां से ये खबरें मुझे सुना रहे हैं लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमारे पास पूरा डेटा यू वर नॉट देयर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस बट हमने देखा नहीं हमने देखा
हमने सुना उनका, हमने सुना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि रुक, पब्लिक का, उन्होंने पब्लिक की कोई जिक्र ही नहीं, पब्लिक का साफ साफ तौर पे जिक्र हुआ जब बोला कि आप नोटिस, उन्होंने मिसाल खाली अपने रिश्तेदारों की दी कि, और उनने जो ये रिवराइज, क्योंकि जो उनके रिश्तेदार हैं जिनके पास, उन्होंने सागर साहब की भी एक मिसाल दे दी, दिस इज, लेट मी रिस्पॉन्ड, आप सवाल कर लीजिए पहले, करिए पूरा सवाल, मेरा यही सवाल है कि उन्होंने लोग पब्लिक, जनरल पब्लिक की क्यों नहीं वहां पे बात की, उन्होंने उनकी ग्रीवेंस की बात क्यों नहीं की। हो गया आपका सवाल, अब मुझे जवाब धीरे से सुनिए। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते या अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होती, मैं चाहती हूँ लोग सुने, उन्होंने पहले ही कहा कि, हमने सुना इसीलिए सर प्लीज, उन्होंने पहले ही कहा कि जो ये बुलडोजर्स चलाए जा रहे हैं, बुलडोजर्स लास्ट रिसॉर्ट होने चाहिए। वो बुलडोजर्स किन के घरों पे चलाए जा रहे हैं? अवाम की दुकानों पे चलाए जा रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि अवाम को नोटिस पिछले एक महीने से, पिछले एक महीने से बुलडोजर, मैं ऐसे, यू नो, आई विल लीव द इंटरव्यू बिकॉज़ यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। पिछले एक महीने से सर, मैं वही बोल रहा ना, पिछले एक महीने आप क्या करें, आप पहले एक सवाल का जवाब तो सुन लीजिए, फिर दूसरे सवाल का जवाब सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि जो ये अवाम की घरों पे बुलडोजर चला जा रहे हैं, ये इलीगल है, क्योंकि बुलडोजर्स लीगली लास्ट रिसॉर्ट होते हैं। पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक बाज़ाबता नोटिस देनी होती है, तो अवाम की बात थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अवाम के लिए आप कॉलोनीज रेगुलराइज कीजिए, अवाम का जो कब्जा है इस पे बाज़ाबता कमेटी बिठाइए और ये रेगुलराइज कीजिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने रोशनी में किया था। क्योंकि बीजेपी रोशनी को नहीं मानती और कहती है रोशनी इलीगल है, तो ठीक है, हमारा आप नहीं मानते, आप खुद रेगुलराइज कर लीजिए। उन्होंने कहा कि लाखों कनाल जमीन जो है रेगुलराइज करके लोगों को दे दीजिए, ये भी आवाम की बात थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ एक तबके पे, अगर जम्मू और कश्मीर में देखेंगे, सिलेक्टेड एरियाज में बुलडोजर्स चलाए जा रहे हैं, ये भी पब्लिक की बात थी। सिर्फ एक बात उन्होंने अपनी मिसाल की, अपनी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की भी एक साजिश साथ में चल रही है, जो मैंने अभी बोला था आपको। हमारा जो, मुझे पता है आप लोगों ने भी बहुतों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा, एक लिस्ट आ रहा है, उस लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला साहब के घर का नाम था। जब हम लोग कोर्ट गए, जब हमने कोर्ट से कहा कि ये क्या लिस्ट है, हमारा नाम इस लिस्ट में क्यों है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का, तो वहां पे सरकारी वकील ने बोला ये तो सरकार का लिस्ट ही नहीं है, ये फेक न्यूज है, बीजेपी गवर्नमेंट फेक न्यूज फैला रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिस्क्रेडिट करने के लिए और बदनाम करने के लिए। साथ में उन्होंने सागर साहब की भी बात की, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हुए थे। सागर साहब का जो घर बना था वो दो मरले पे था, जो दो मरला गास चराई थी। तो ये जो बार बार कहते हैं ना, एनसी ने लूटा है, एनसी ने ये किया है, निकला क्या? दो मरला आपको गास चराई निकले? ये लैंड माफिया है जिसके पास दो मरला जमीन होगी। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठता है, जब उनका नाम लिस्ट में आया उसके बाद ही उनको क्यों मजबूर हो रहा पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए? उससे पहले उन्होंने क्यों नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी इस बात? पहली बात तो उनका नाम लिस्ट में पहले दिन से आ रहा था, उसके बाद लास्ट वीक, पिछले हफ्ते उनकी बहन जो है कोर्ट गई। अगर हमने उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी होती, आप ही लोग आके हमको बोलते, अच्छा आप लोग तो अपना घर बचा रही हो, आप लोग तो अपनी बात कर रहे हो। जब कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अपने लिए नहीं दे रहे हैं, हमारी सुनवाई कोर्ट में हुई है, हमें कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाम के लिए हो रही है। अगर हमने कोर्ट के फैसले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी होती, तो आप ही लोग आके कहती, बीजेपी आके कहती, ये तो ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो अभी भी तो वही कह रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने बाप को बचाने के लिए, कह रहे हैं कौन सा बचा, हम किससे बच रहे हैं, हमें, हम पे कौन सा इल्जाम है? एक लिस्ट निकली थी हाई कोर्ट के सामने, वो कहते हैं ये लिस्ट तो लीगल है ही नहीं, हमारा, सरकार कहती है हमारा इसके साथ कोई लेना, तो क्या स्टैंड रहेगा अगर ऐसा ही बिल्डोजर चलता रहा है, तो क्या स्टैंड रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस? नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड ये रहेगा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये लड़ाई जिस तरह हम आर्टिकल 370 की कोर्ट में लड़ते आ रहे हैं यहाँ की आवाम के लिए, वो लड़ते जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस तरह से बदनाम किया जाता है, हमारे दो मरले गास चराई पे अगर कोई मकान होता है उसको गिराया जाता है, ये समझने की जरूरत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हम अपनी सोचते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये इसलिए होता है कि हम अवाम की सोचते हैं। अगर हम भी बी टीम बन गए होते, सी टीम बन गए होते, बीजेपी के साथ पीछे से हाथ मिला लिया होता, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोलते, तो हमारे हमारे घर आज तोड़े नहीं जाते। चूंकि हम अवाम के साथ खड़े हैं,
चूंकि हम आवाम की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा लीडर किसी आवाम के पास गया जहां उसका मकान तोड़ रहे थे? अब मुझे एक बात बताइए, हमारी घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? बीजेपी की बी टीम सी टीमों के घर क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं, बताइए आप? ये तो सीधा सवाल है, हर किसी का तोड़ा जा रहा है इस टाइम। इस वक्त सजाद लोन की बहन का घर था, सजाद लोन की बहन किसी पॉलिटिकल पार्टी में है जहां तक मैंने सुना है, शायद उनके बीच मतलब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, तो उन्होंने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। वो किसी पॉलिटिकल, शी इज नॉट अ पॉलिटिकल, नो पीसी के किसी इंसान का तोड़ा। तो उमर साहब ने तो बात की अपने रिश्तेदारों की निडोज की, क्योंकि वहां पे उन्होंने बात की किस तरह हमें बदनाम किया। सर ये आप फर्स्ट आस्क योर क्वेश्चन एंड देन गिव मी पूरी करिए। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट का जहां तक कहना है वहां से हमने 40 कनाल रिकवर किए। यही सवाल है, पहले आप क्या बात कर रहे थे? मैं वही बोल रहा हूँ ना, उन्होंने अपने किसी, आपने कहा बी टीम, मैंने कहा बी टीम सी टीम डी टीम, क्या इनमें से किसी के मकान तोड़े गए? नहीं तोड़े गए। उनकी बहन भाई, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बहन भाई का आपस में तजाद भी हो सकता है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इन पॉलिटिकल पार्टियों के घर नहीं तोड़े गए, बीजेपी के अपने स्टेट लैंड पे नहीं तोड़े गए। क्यों नहीं तोड़े गए? वाई? क्योंकि वो लोग बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। अगर हमें तंग किया जाता है, इस वजह से तंग किया जाता है कि हम आवाम के साथ खड़े हैं। अब आपने कहा कि उमर साहब ने अपनी बहन की मकान का जिक्र किया, उनकी बहन पेटिशन लेके गई थी, वो बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के घर की। क्योंकि सवाल, जैसा आपने पहले ही सवाल किया कि एनसी ने जमीन ली है, तो उस पे भी वो जवाब उस पे था कि हमने कौन सी ली है, हाई कोर्ट में तो कहते हैं कोई जमीन नहीं ली है, वो जवाब उसका भी था। और मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, अगर ये आर्टिकल 370 और ये जो बुलडोजर की बात कर रही है, आप कोर्ट में जाएंगे, आर्टिकल 370 भी आपने कोर्ट में ही रखा है, अगर आपको क्या लगता है कि कैसा ये अभी मतलब माहौल है, कि इसमें आपको लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? देखिए, अगर इंसाफ हमें कभी कोर्ट से, तो मुझे उम्मीद मैं नहीं छोड़ूंगी, एज मच एज इट्स डिफिकल्ट, कि मुश्किल होता है उनसे कभी उम्मीद रखना, लेकिन और कोई आपके पास चारा भी तो नहीं है। अगर आपका चारा स्ट्रीट एजुटेशन है, जैसे आप कहते हैं कल बठिंडी में स्ट्रीट एजुटेशन हो गई, वो सारे अरेस्ट हो गए, या तो वैसा थोड़ा बहुत माहौल हो कि लोग पीसफुली सड़कों पे आ सके, आप सब पे पीएसए हट जाएगा, ये तो चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कब सड़क पे आएगी, सब पे ये हम सबको अरेस्ट कर देंगे, थाने में भर लेंगे, और इनका ये दूसरे दिन इलेक्शंस अनाउंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई राइवल ही नहीं रहेगा, ये तो उसी दिन के इंतजार में है बीजेपी की गवर्नमेंट। तो आप आने वाले चुनाव को कैसे देखती हैं, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना टफ रहेगा आने वाला जो इलेक्शन होगा, उसमें मैं आवाम जवाब देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन पार्टी है, ये तो है ही, बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस वजह से ही तो हमारे घर गिराए जाते हैं, हमें बदनाम किया जाता है, इट्स बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस। चुनाव जो होते हैं उसमें अवाम जवाब देती है, चुनाव जो इलेक्शन जो होता है उसमें अवाम बात करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिलखसूस अपना सीना आगे करके लड़ेगी, लेकिन जवाब तो अल्टीमेटली ये इंसान, हर एक एक सिटीजन के वोट से ही इसका फैसला होगा। शुक्रिया, ये थी इफ्रा जान हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन, बने रहे कश्मीरी बुक के साथ। ताबिश मुश्ताक।